नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और किस कृषि फसल के ऊपर एक्सपर्ट की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह ही शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसे सीड से। देख रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6080 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट है। हम देख रहे हैं कि आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में कैसे सीड का जो वायदा बाजार है 6100 का लेवल से कुछ नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6000 के घरों में है और 6100 का लेवल अब टूटता नजर आ रहा है। इस पूरे कारोबारी सप्ताह हमने कैसे सीड को 6100 के ऊपर का सस्टेन होकर चलते देखा, लेकिन हफ्ते के एंड पर वीकली क्लोजिंग होते होते 6000 का लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 6000 के घरों के अंदर। दरअसल कैसर का जो कैसर के जो फंडामेंटल्स हैं ओवरऑल मजबूती की हो रहे हैं, कैसर में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, लेकिन गिरावट क्यों बन रही है ये जानकारी आपके साथ साझा कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कैसर के फंडामेंटल्स से, तो आपको बता दें कि पिछले साल कैसर का जो बाज़ार था वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से कैसर की जो कीमतें हैं वो बहुत ही कम देखने को मिल रही थी। 2500 से 3000, 3500 मैक्सिमम ऐसी कुछ कीमतें देखने को मिली थी कैसर सीड की, जिसकी वजह से किसानों ने इस बार कैसर की बुआई कम की। और जहां बुआई कम हुई तो रकबा कम हुआ, बुआई कम तो उत्पादन कम होगा, तो इसकी वजह से कैसर की कीमतों में हमने पहले बहुत ही अच्छी एक तेज़ी आती हुई देखी थी। और क्योंकि बुआई भी नहीं हुई थी उस समय, तक ऐसा अनुमान लगाया गया था कि बुआई कम हो सकती है, और बुआई कम होने के अनुमान से उत्पादन के कम होने का अनुमान लगाया गया था। अब यहाँ पिछले साल के मुकाबले बात करूँ तो लगभग मान के चलिए कि 15% तक बुआई का रकबा घट सकता है कैसर सीड का। और दूसरा, कैसर की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो कैसर सीड की कीमतों में एक गिरावट की बनती हुई नज़र आ रही है, जबकि हमने अगस्त के महीने में कैसर सीड की कीमतों को 6700 के ऊपर कारोबार करते देखा था। ये एक सवाल सबके दिमाग में उठता है, इसका भी सवाल का जवाब दिए देता हूँ। दरअसल कैसे की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आई है वायदा बाजार के अंदर। दूसरा, कैसे की कीमतों में गिरावट का जो मुख्य कारण बनता हुआ अभी हाल फिलहाल में नज़र आ रहा है वो है मॉनसून। जिस हिसाब से मॉनसून फिर से रिएक्टिव होता हुआ नज़र आया है, सक्रिय होता हुआ नज़र आया था, बारिश अच्छी खासी हुई थी, उसकी वजह से कैसे की बुआई में कुछ बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया गया था कि जो किसान हैं कैसे के अच्छे भाव मिलने की खबरों के चलते और मौसम अच्छा रहने की वजह से, मौसम की गतिविधियां अनुकूल रहने की वजह से कैसे की जो बुआई है उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दो मेजर फैक्टर जो कैसे की कीमतों में अभी हल्की फुल्की गिरावट का मुख्य कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, जानकार अभी बता रहे हैं कि कैसे की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है जो कैसे की कीमतों को ऊपर तक लेके जाएगी। लेकिन बात करें अगर आने वाले कारोबारी सप्ताह की, तो आने वाले कारोबारी सप्ताह में हो सकता है कि कैसे सीड की जो कीमतें हैं वो एक सीमित दायरे में देखने को मिले, निचले स्तर थोड़ा लगता हुआ नज़र आ सकता है, फिर वहाँ से खरीदारी निकलेगी, लेकिन खरीदारी एकदम से नहीं निकलेगी, पहले अभी हाल फिलहाल में एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा कैसे की कीमतों के अंदर। बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 5191 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है हल्की सी करेक्शन के साथ। आज हम देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वीकली क्लोजिंग होते होते चने का वायदा बाजार अक्टूबर वायदा 5200 का लेवल तोड़ चुका है और 5191 पर 5191 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल चने अब जो बारिश अच्छी देखने को मिली थी, इसकी वजह से जो जानकार हैं और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि दलहन की जो अगली बुआई होगी वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसकी वजह से दलहन की कीमतों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ सकता है। और उसी सेंटीमेंट के चलते, मार्केट के इसी सेंटीमेंट के चलते हम देख रहे हैं कि इस समय चने की कीमतों पर एक गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। दूसरा, चने का उत्पादन भी इस साल ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, 119.9 लाख टन रह सकता है चने की उत्पादन का अनुमान अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगाया जा रहा है। और दूसरा, त्योहारी मांग होने के बावजूद भी चने की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि दिवाली पास आने तक चने के अंदर 200-300 पॉइंट की कुछ तेज़ी बन जाए, लेकिन वो दिवाली के पास आने पर ही होगा, तब तक चने की जो कीमतें हैं वह ऐसी एक सीमित दायरे में देखने को मिलती रहेंगी।
बात करें बिनौला खल की, बिनौला खल का दिसंबर वाला देखने की 2455 पर कारोबार कर रहा है 1.5% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का दिसंबर वायदा आज शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हमने बिनौला खल की कीमतों को 2500 के ऊपर जाते हुए देखा था, पूरे हफ्ते 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चला था, लेकिन अब देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल पहले हमने बिनौला खल में देखा था कि जो कॉटन है, कॉटन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला था, लेकिन अब कॉटन की जो कीमतें हैं कहीं ना कहीं सुधरती आई हैं। कल कॉटन की कीमतों में एक स्थिरता देखने को मिली थी, जानकार ने बताया था कि 28,000 के लेवल्स बहुत ही जल्द छूते नज़र आ सकते हैं, 28,000 के लेवल्स अचीव हो गए हैं। और अब जो जानकार है कॉटन में आने वाले दिनों में 29,000 यानी कि 29,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कपास की जो मांग है विदेशों में काफ़ी बढ़ रही है, जैसे कि टर्की हुआ, चाइना हुआ, और अपने घरेलू स्तर पर भी कॉटन की मांग है, और पाकिस्तान की तरफ से भी हमारी इंडियन कॉटन की मांग निकल के सामने आ रही है। दूसरा, जो कॉटन की जो फसल है, कपास की जो फसल है, वो बारिश की वजह से उसको काटने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से मंडियों में आवकों में देरी हो रही है कपास की। और दूसरा, कई राज्यों में पिंक बॉल वॉर्म नाम का जो कीट है कपास की फसलों पर लगा है, जिसकी वजह से कपास की जो कीमतें हैं एकदम से उछाल मारी हैं और किसानों को कपास की फसलों में नुकसान हो रहा है। अच्छा ही होगा कि अगर किसानों को उनके उचित दाम मिल जाए, क्योंकि जो फसलें हैं उनकी ज़्यादातर ख़राब हो चुकी हैं कीटों की वजह से। अगर किसानों को अच्छा दाम मिल जाता तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी। और इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ बिनौला खल की भी कीमतों पर हल्का फुल्का पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। जानकार बिनौला खल में नेक्स्ट लेवल 2600 से 2700 का दे रहे हैं। बात करें यहाँ से अब अगर मसाला पैक की, तो देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 7894 पर है, 0.5% की तेज़ी बनती नज़र आई है। अब जीरे का अक्टूबर वायदा 14515 पर, 0.25% की करेक्शन। और हल्दी यानी कि टर्मेरिक का अक्टूबर वायदा 7240 पर, 1% की करेक्शन के साथ। हमने मसालों में ठीक ठाक लेवल्स बनते हुए देखे हैं, फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग लगातार बनती नज़र आई, उसके बाद फिर एक उठापटक का माहौल जारी हो गया। दरअसल जब से मॉनसून रिएक्टिव हुआ है, मॉनसून की गतिविधियां तेज हुई हैं, बारिश अच्छी हुई है, तब से ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे हैं कि जो फसलें हैं, जो क्रॉप हैं, अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मसालों में एक नरमी का सेंटीमेंट, एक नरमी वाला भाव बनता हुआ नज़र आया है। दूसरा, ये तो हल्दी की बात करी थी हमने, और बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जो स्टॉक है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है ट्रेडर्स के पास भी, फार्मर्स के पास भी, जिसकी वजह से जीरे में एक हल्की नरमी बनती हुई नज़र आई है। हालांकि जानकारों का अनुमान ये भी है कि आने वाले दिनों में जीरे की जो कीमत, जीरे का जो निर्यात है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी मसालों का जो, मसालों की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी जो उठापटक वाला माहौल है ये अभी जारी रह सकता है। दिवाली के पास आने तक मसालों की कीमतों में एक हल्का उछाल देखने को ज़रूर मिलेगा, अभी जानकारों का ऐसा मानना है। बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 5814 पर है, ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5814 पर है 1.5% की करेक्शन के साथ। और ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 9890 पर है 1.5% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि दो दिन के बाद ग्वार की, गम की कीमतों, दो दिन की ग्वार की तेज़ी के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में ग्वार की कीमतों में ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक गिरावट वाला रुझान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक जब तक ग्वार गम की कीमतें 10,200-10,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होती हैं, तब तक ग्वार की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक नरमी वाला रुझान, ऐसी उठापटक वाला देखने को मिलता रहेगा। कभी ऊपरी सर्किट लग गए, कभी लोअर सर्किट लग गए, निचले स्तर देखने को मिले, तो कभी एक स्थिरता देखने को मिली, तब तक ग्वार की कीमतें ऐसे ही बनती रहेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अब जो मौसम की जो गतिविधियां तेज हुई हैं, तो राजस्थान में ग्वार का जो रकबा है लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर ही होता, हालांकि कुछ कम है, लेकिन अब जो रकबा थोड़ा बड़ा है उसकी वजह से ग्वार में उत्पाद, राजस्थान में ग्वार के उत्पादन में एक थोड़ी बहुत हल्की बढ़त हो सकती है। और दूसरा, मौसम जब से रिएक्टिव हुआ है राजस्थान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ग्वार की जो बुआई है उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड ठीक ठाक है, ग्वार की जो कीमतें एकदम से नीचे नहीं जाएंगी, जब तक वायदा बाजार की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये वायदा बाजार में जब तक ग्वार गम की कीमतें 10,200-10,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती हैं, तब तक ग्वार की कीमतों में ऐसी उठापटक का माहौल जारी रहेगा, और जब 10,200-10,300 के तक क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है ग्वार गम का वायदा बाजार, तो मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी, 11,000 के भी ऊपर के लेवल्स ग्वार गम की कीमतों में वायदा बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड के में भी ऐसी ही है, जब तक 6,200 या 6,300 के क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, तब तक ग्वार सीड की कीमतों में भी ऐसे ही उठापटक का माहौल देखने को मिलता रहेगा। जहां पे एक बार 6,200-6,300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल जाती है ग्वार सीड की कीमतों में, तो ग्वार सीड की कीमतें ऊपर में 6,800 तक जाती भी नज़र आ सकती हैं। तो ये तो बात करी थी हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। देख रहे हैं कि यहाँ पे सरसों का अक्टूबर वायदा 8,270 पर है 2% की करेक्शन के साथ। हम देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा लगातार फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, 8,700 से हम देख रहे हैं कि लगातार एक करेक्शन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस करेक्शन में घबराने वाली बात नहीं है। जानकारों के अनुसार सरसों की जो फंडामेंटल्स है मजबूती की ओर है, अभी ये बस जो ऊपरी स्तर से इसको कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल वायदा बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर किसी कम्युनिटी में ज़्यादा पैसा लगा दो तो उसकी कीमतें उछल जाती हैं, चाहे हाजिर में उसकी कीमत बिल्कुल भी ना मिल रही हो, और अगर उसमें से पैसा निकाल लिया जाए वायदा बाजार में से तो उसकी कीमतें धड़ाम भी हो जाती है, यानी एकदम से गिर भी जाती हैं, तो ये एक तरह से सट्टेबाजी चलती है। तो ओवरऑल रुझान सरसों में अभी भी तेज़ी का ही है, जानकार भी लगातार यही बता रहे हैं, ये बस वायदा बाजारों में ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि सरसों का स्टॉक कम है देश के अंदर, 30,00,000 टन का स्टॉक है जो भी बचा हुआ है, और सरसों की फसल आने में लगभग 4 महीने का समय बाकी है, और अभी खपत भी लगातार बढ़ ही रही है क्योंकि ब्लेंडिंग बंद हो चुकी है और रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया गया है, जिसकी वजह से सरसों की जो खपत है ज़्यादा बढ़ रही है, और जो किसान हैं वो भी अपनी सरसों रोक रोक कर ला रहे हैं। तेल मिलों के पास और व्यापारी के पास सरसों का स्टॉक थोड़ा बहुत ही होगा, अगर हुआ भी तो, क्योंकि मोस्टली जो सरसों की जो स्टॉक है का जो यूज़ है वो पहले ही तेल बनाने के रूप में किया जा चुका है। जो सरसों थी पिछले साल की, उसका ज़्यादातर स्टॉक सरसों तेल बनाने में यूज़ किया जा चुका है, और अब किसान अच्छा ही कर रहे हैं, रोक रोक कर ला रहे हैं मंडियों के अंदर फसल, क्योंकि उन्हें सरसों के काफ़ी बेहतर दाम मिलते नज़र आ रहे हैं। वायदा बाजारों की बात कर रहे थे हम, 8,200 के लेवल सभी देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से वायदा बाजार सरसों का भी और टूटता हुआ नज़र आए, टूटता है तो निचले स्तर से खरीदारी भी निकलेगी, और एक बार फिर से अच्छे के लेवल्स सरसों की कीमतों में जो हमने पहले आते हुए देखे थे अभी 8,700-8,800 फिर से वही देखने को मिल पाएंगे, जानकारों का भी ऐसा मानना है। बात करें यहाँ से सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5,420 पर कारोबार करता नज़र आ रहा है, 3.5% का निचला सर्किट आज सोयाबीन के अंदर लग चुका है। दरअसल सोयाबीन का जो रकबा है पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर ही होता हुआ नज़र आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में ऐसे आंकड़े नज़र आ रहे हैं, प्राइवेट फर्मों से भी ये खबरें मिल रही हैं, दूसरा सरकारी आंकड़े भी यही कह रहे हैं। अब हमने सोयाबीन की कीमतें 10,000 तक 12,000 तक जाती हुई देखी थी हाजिर के अंदर, बात करें वायदे की तो वायदे में भी हमने 10,000 के पार जाती हुई देखी थी, सोयाबीन की कीमतें अच्छी खासी मिली थी, लेकिन तब सोयाबीन की फसल नहीं आई थी मंडियों के अंदर, किसान की उपज नहीं आई थी जब वायदा बाजार में ये दाम देखने को मिल रहे थे, और उस समय की बात है जब सोयाबीन की बुआई का वक्त चल रहा था गर्मियों में, तब किसानों को उम्मीद थी, एक आस थी कि चलो अगर अभी कीमतें अच्छी हैं तो अच्छी बात है, महंगा बीज लेके बुआई कर लेते हैं। किसानों ने 10-10, 12-12 हज़ार का जो बीज था सोयाबीन का, जो काला बाजारी करके बेचा जा रहा था, बेचारों ने महंगा बीज खरीद के बुआई करी, और अब उस समय ये शोर मचा हुआ था कि सोयाबीन की किल्लत है, किसानों को बुआई कर लेनी चाहिए, अच्छा कर लेना चाहिए। किसानों ने बुआई तो करी, लेकिन किसानों ने जो बीज खरीदा वो अपने पैसों से खरीदा है, और दूसरा सरकार के पास भी बीज का स्टॉक नहीं था सरसों का, तो सरकार ने भी उस समय हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं है, तो जो किसान है वो दूसरी फसलों की ओर शिफ्ट कर जाएं।
तो जो किसान ही थे जिन्होंने महंगा बीज खरीदकर सोयाबीन की बुआई करी, और आज वही किसान है जिनको सोयाबीन उनकी फसल सोयाबीन का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। 10,000 तो पहले वायदा में दिखा दिया कि वायदा में अच्छे दाम देखने को मिलेंगे, और अब सोयाबीन का सरकार ने आयात कर दिया कि सोयाबीन की कमी है, सोया खली का आयात कर लिए पोल्ट्री उद्योग के लिए, जिससे पोल्ट्री उद्योग का राहत दिए जा सके। हालांकि पोल्ट्री उद्योग को राहत देने के लिए किया गया था, लेकिन इसका जो असर है किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आया है। अगर सरकार यही सेम फैसला, यही सेम डिसीजन तब ले लेती जब किसान महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई कर रहा था, तब इतना किसानों को नुकसान नहीं होता जितना अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय वायदा बाजारों का जो असर था सोयाबीन की बीज की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नज़र आया था, क्योंकि किल्लत काफ़ी ज़्यादा थी और वायदा में उछाल मार रही थी। सोयाबीन की जो कीमतें वायदा बाज़ार में उछाल मार रही थी ज़्यादा, और कालाबाजारी बीजों की ज़्यादा हो रही थी। अगर सरकार जल्दी फैसला लेती और उस समय आयात करती तो शायद से किसानों को सोयाबीन के अंदर इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता जितना अब झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब वो ज़्यादा ही झेलना पड़ रहा है। जहाँ पे किसानों को 10,000 की उम्मीद थी, अब वही सोयाबीन 3,000-4,000 तक भी बिकनी मुश्किल है। और दूसरा, सोयाबीन किसान अब दोहरी मार खाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि किसानों की जो फसल खेतों में खड़ी है सोयाबीन की, वो बारिश से तबाह हो रही है। कुछ राज्यों में मानसून के फिर से सक्रिय होने से इतनी तेज बारिश हो रही है कि सोयाबीन की जो फसलें हैं खड़ी फसलों में खेतों में तैयार हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, और अभी तक कोई सर्वे नहीं किया जा रहा है। अभी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं। अब किसानों के यही आस है कि जिस हिसाब से पहले या तो इसको एक अफवाह कह लें या फिर एक हवा कह लें कि हवाबाजी कर दी गई या फिर अफवाह फैला दी गई कि सोयाबीन के उत्पादन पहले की तरह बराबर रहेगा और रकबा बढ़ गया है, जिस हिसाब से अभी बारिश से सोयाबीन की फसल तबाह हो रही है, अगर उत्पादन के आंकड़े कुछ साफ होते हैं और कुछ कमी देखने को मिलती है उत्पादन में, तब तो किसानों को हो सकता है कि कुछ थोड़ी राहत मिले और कुछ सोयाबीन के दाम कुछ बेहतर मिलते हुए नज़र आए। अदरवाइज़ सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो ऐसी ही हाल फिलहाल में देखने को मिलती रहेंगी, गिरावट ही देखने को मिलती रहेगी, और किसानों की उपज में नमी का हवाला देकर सोयाबीन के किसानों को कम दाम दिए जा रहे हैं मंडियों के अंदर, यही सीन अभी देखने को मिलता रहेगा। तो ओवरऑल अभी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये था छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आगे आपको किस कम्युनिटी के ऊपर खबर चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस कम्युनिटी के ऊपर आपके लिए खबर लाने की और पूरी रिपोर्ट अच्छे से बनाने की। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।